students, welcome to governmentjobspreparation.com. This is Preety, Uzlain. Today we will learn lesson number 5, present continuous, interrogative, positive and negative sentences. Rule kya hai? Present continuous ka is MR verb ki first form plus ing. Very simple. Uski pehchan kya hai? Raha hai. जिस भी किसी सेंटेंस में हिंदी के किसी भी वाक्य में आपको लास्ट में कोई भी सेंटेंस रहा है रहे हैं रही है पर ख़त्म होता दिखे समझ आइएगा कि वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात हो रही है. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हमारी जो अभी कॉन्टीन्यू जो प्रोग्रेस चल रही है उसके बारे में भी बताता है और थोड़ा सा नियर बाय फ्यूचर के बारे में भी बताता है. नियर बाय फ्यूचर के बारे में कैसे बताता है? जैसे कल मैं मूवी देखने जाऊंगी. आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुमारो. आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी. ये वैसे तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है लेकिन हम कभी कभी फ्यूचर की बात को भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में बोल देते हैं. यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट्स हैं आई यू दे वी ही शी इट. सिंगुलर नेम प्लूरल नेम इनके साथ हम क्या लगाते हैं वो मैंने यहाँ लगा दिया है. आम नॉट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? आंट. आर नॉट को आंट. इज नॉट को isn't. हम जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे उनमें शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा इजी है. अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस में मैंने इस तरीके से भी पढ़ाया हुआ है, वो वीडियोस भी आप ज़रूर देख सकते हैं. चलिए सेंटेंस नंबर 1 बनाना स्टार्ट करते हैं. सेंटेंस नंबर 1 कहता है क्या सड़क पर एक छोटा बच्चा करतब दिखा रहा था. यहाँ मैंने कुछ छोटी छोटी सी वोकैब्स यूज़ करी हैं ताकि आपको सेंटेंस बनाना आ जाए कि उन वोकैब्स को इस्तेमाल कैसे करना है. ठीक है, यहाँ बात किसकी हो रही है? सड़क पर एक छोटे बच्चे की. क्या एक छोटा बच्चा? फर्स्ट सेंटेंस हम थोड़े से इजी तरीके से बनाते हैं जिसमें कि हम क्वेश्चन को छुपा लेंगे. अगर मैं क्वेश्चन को छुपा लेती हूँ क्या सेंटेंस रह गया? सड़क पर एक छोटा बच्चा करतब दिखा रहा है. अ लिटिल चाइल्ड और किड इज करतब दिखाना टू शो अ फीट. अ लिटिल चाइल्ड इज शोइंग फीट ऑन द रोड. देखिए ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया लेकिन जब हम हाथ हटाकर देखते हैं तो ये एक सेंटेंस नहीं है. ये एक सेंटेंस है बट एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी कि कुछ क्वेश्चन है. क्या सड़क पर एक छोटा बच्चा करतब दिखा रहा है? जब भी हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो जो हमारी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इज एम आर. ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है. छोटे बच्चा, एक किसी बच्चे की बात हो रही है उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? इज. जब भी हमारा क्वेश्चन होता है तो वो हमेशा इस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो गया? इज अ लिटिल चाइल्ड शोइंग फीट ऑन द रोड. ये हमारा क्वेश्चन हो गया. तो राइट सेंटेंस क्या बना? इज अ लिटिल चाइल्ड शोइंग फीट ऑन द रोड. सेंटेंस नंबर 2, तुम मुझे ये सब इतना विस्तार से क्यों बता रहे हो? ये सारे जितने भी सेंटेंस मैंने लिखे हैं सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इसलिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होंगे. क्यों वर्ड हमारा क्वेश्चन बनाता है तो हम डब्ल्यू एच का वर्ड पहले लिखेंगे. क्यों मतलब वाई. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम मुझे ये सब इतना विस्तार से क्यों बता रहे हो? यू के साथ हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? आर. वाई आर यू कोई भी चीज बहुत विस्तार से बताना. वाई आर यू इलैबोरेटिंग ऑल दिस टू मी. इलैबोरेटिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज बहुत ही डीपली किसी को बताना. वाई आर यू इलैबोरेटिंग ऑल दिस टू मी. सेंटेंस नंबर 3, क्या वह विद्यार्थियों का मनोबल नहीं बढ़ा रहा है? वह ही के साथ, यहाँ ही की बात हो रही है, ही से ही के बाद क्या लगता है? इज. Is he not? पहले तो हम इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो हम is not को एक साथ लिखेंगे. Isn't he? मनोबल बढ़ाना to encourage और यहाँ पर वर्ब के साथ ing लग जाएगा. Isn't he encouraging the students? Isn't he encouraging the students? क्या वह विद्यार्थियों का मनोबल नहीं बढ़ा रहा है? सेंटेंस नंबर 4, तुम अंधेरे में मोमबत्ती क्यों नहीं जला रही हो? मोमबत्ती जलाना क्यों? Why? यू से पहले क्या, यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? आर. नेगेटिव सेंटेंस है. Why aren't
you? Why aren't you lighting the candle in the dark? Why aren't you lighting the candle in the dark? Sentence number 5. Tum itni tez barish mein kahan ja rahe ho? Where are you going in this heavy rain? Where are you going in this heavy rain? Sentence number last. Ve kab WhatsApp par online aa rahe hain? Kab? When? De ke saath kya lagta hai hamara? Are. When are they coming online on WhatsApp? Aap sabhi ki favorite application WhatsApp. So, ये थे हमारे कुछ sentences जो positive भी हैं, negative भी हैं, लेकिन सारे के सारे interrogative हैं. इस तरीके के sentence की English बनाने की कोशिश कीजिए, sentence बनाने शुरू कर दीजिए. अगर फिर भी कोई doubt होता है, तो you can anytime ask me. By the time, keep learning, keep practicing. Thank you so much.